सभी लोग हिंदू हैं तो की बात है इतना तगड़ा आत्मविश्वास है उनके अंदर कौन सा आत्मविश्वास विश्वास है जो हर नेता के पास रहता है हम क्या ये संकल्प लेके करें हम दंगे करेंगे भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी चल रही है नमस्कार तो एक बार फिर एक खूबसूरत आगाज है न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खास कार्यक्रम माहौल गर्म है क्या माहौल गर्म है में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सियासत का माहौल क्या चल रहा है कि आखिर आजकल उत्तर प्रदेश की हवाओं में मौसम क्या है मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि कभी भी सियासी पारी पलट सकती है किसकी पार्टी क्या करे कौन सा मास्टर स्ट्रोक आखिरी में कौन कब क्या खेलेगा यह समझने और सुलझाने की बातें भी हैं समस्याओं से हर कोई जूझ रहा है लेकिन सुलझाने की बात जो करते हैं उन्होंने क्या कुछ सुलझाया भी जानना और समझना जरूरी है ऐसे में आज हम मौजूद हैं बदायूं की दातागंज विधानसभा क्षेत्र में यह जो दातागंज सीट है इसलिए अहम है क्योंकि यहां रिपीट का सिलसिला बहुत चलता है मसलन उन्नीस और दो के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां से जीती उसके बाद दो हजार में बसपा जीती अब दो 2017 में यहां पर भाजपा ही है हालांकि इसके दो मायने हैं कुछ लोग कहते हैं

ऐसे में आपको बता दूं कि सम्मानित जनता तो मौजूद है ये है इसके साथ ही साथ नेतागढ़ भी हमारे साथ मौजूद है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में इसी के साथ आपका तारुफ आपका परिचय करवा देता हूं सबसे पहले हमारे साथ हैं भाजपा से आकाश वर्मा जी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आकाश वर्मा जी का साथ ही साथ हमारे साथ, हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से शुक्लाल भारती जी आपका जोरदार स्वागत होना चाहिए तालियों के साथ इसी के साथ हमारे साथ बी से आर सिंह जी मौजूद है आपका भी जोरदार स्वागत होगा तालियों के साथ और कांग्रेस से आतिफ खान जकमी साहब भी हमारे साथ मौजूद है आपका भी जोरदार स्वागत तालियों के साथ तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ी सी माहौल की बात आते हैं तो माहौल दरअसल ये है कि यहाँ की जब हम बात करते हैं बदायूं का जब जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में तीन नाम सरपट से आते हैं और वो तीन नाम है निजामुद्दीन औलिया साहब का यहाँ से एक और नाम आता है रजिया सुल्तान पहली महिला शासक उनका नाम आता है और साथ ही तो, तो, में, 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 तो ये बताइएगा कि तीन तीन इंजन लेकर जो गाड़ी दौड़ा रहे हैं आप जनता को क्या कुछ देते चल रहे हैं कौन सा पैकेट बांटते चल रहे हैं देखिए जनता के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ देश के समग्र विकास में अपना योगदान दे रहे हैं और जनता के जो कि दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर गरीबी मिटाने और गरीबों के लिए कार्य करने और ग्रामीण अंचल एवं किसानों की आमदनी दोगुनी करने के संबंध में चाहे कोई कार्य हो जो भी योजनाएं जनता के समग्र विकास की योजना चाहे वो आवास से संबंधित हो चाहे शौचालय हो चाहे वो किसान की आय दोगुनी करने का संबंध हो चाहे बिजली हो शिक्षा हो स्वास्थ्य हो और स्वास्थ्य के संबंध में तो हमारे पास बहुत सारी योजनाएं जनता को आयुष्मान कार्ड के रूप में मिली है ऐसे में मैं आपसे पूछ रहा था सबसे पीछे वाले इंजन के बारे में आप दरअसल मुझे बताने लगे सबसे पहले वाले इंजन के बारे में आप केंद्र की बातें बता रहे फिर राज्य की बताने लगेंगे विधानसभा के लिए आपके विधायक जी ने क्या किया राजीव कुमार सिंह जी ने देखिये जब नेतृत्व तो, जब नेतृत्व तो सार्थक और अच्छी मानसिकता का है तो प्रत्याशी भी अच्छे कर्मों में रहेगा। नेतृत्व के सारे बेड़ा पार। रहेगात के के कैप्टन अगर बढ़िया है कैप्टन जीतेगा तो टीम तो जीतेगी ही जीतेगी ऐसे में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष का चेहरा पूरी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं आप खुलकर मुकाबला कर रहे हैं लेकिन ऐसे में आपसे सवाल ये है कि 2017 का चुनाव हो या 2012 का चुनाव हो प्रदेश में आपकी सरकार थी 2017 से पहले लेकिन ऐसे में आपको हार क्यों मिली विधानसभा की बात करूं फिर नहीं भी थे थे ही नहीं तो बदलेंगे कहा से यहाँ की बात करू विधानसभा की तो बसपा थी तो बदल के आपको आना चाहिए था नहीं तो रहती है हर वक्त हर राजनीति के मोल परिस्थिति क्या है इस बार परिस्थिति है की जनता की जो जनभावनाएं हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उम्मीद है हमें पूरी पूरी कि हम सत्ता पर काबिज होंगे ठीक है सत्ता पर काबिज होंगे पूरी पूरी उम्मीद है एक बात बता दू एक, एक रिमार्क लेंगे सारे नेताओं से फिर जनता में से पब्लिक में से किसी को कुछ कहना होगा तो कह सकते हैं बसपा का क्या है बसपा सोई हुई क्यों लोग कह रहे हैं कि बसपा सो रही है बसपा इस बार मुख्य

और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं तो उन लोगों से जनता से सभी सब से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें उसके बाद जो आपने सवाल किया मेरे से कि आप जो बसपा पार्टी है जो दिखाई क्यों नहीं दे रही है वो तो दिखाई देने का कारण सबसे मेन मुद्दा ये है कि जहाँ पर जनता के जनता वो उस जगह जाती जहाँ पर हाव भाव दिखाता तो इस समय जो मीडिया जो दिखा रही है ना वो सबसे ज्यादा आप दिखेंगे नहीं तो मीडिया दिखाएगा कैसे क्या घर के भीतर घुस के दिखाएगा? नहीं नहीं आप दिखे तो दिखे तो मीडिया दिखाएगा मीडिया तो प्रियंका गांधी जी को तक दिखा रहा है आज आवर तोड़ दिखा रहा है दिन चौगनी रात दुगनी तरक्की कर रही है आगे बढ़ रही है नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, नहीं, नहीं है सीधी सी बात यह है कि सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया मेरे से बसपा व दिखाई को नहीं दे रही है बसपा के कैंडिडेट बाहर को नहीं आ रहे हैं समाज में को नहीं दिखाई दे रही है कि बसपा का कुछ लहर या फिर जो आने वाली है पार्टी उसमें कुछ उसका हलचल नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका सीधे सा स, सिस्टम ये है कि जो जनता है उसका कानून व्यवस्था संविधान के अनुसार संविधान उसके तहत तो जो वो है संविधान को कानून में हाथ में लेके नहीं काम करती है बल्कि कानून व्यवस्थित जो तो है चीजें है उसी के आधार पर सारे काम तो विपक्ष सड़कों पर आता है कोई सरकार की योजना है जो उसको लगता है कि जनता के हित में नहीं है तो ऐसे में अगर विपक्ष सड़कों पर आता है तो ये तो विपक्ष का काम है इसमें कानून कौन सा आप हाथ में ले लेंगे नहीं नहीं बीजेपी द... से डर लगता है क्या अरे बीजेपी से डर क्यों लगेगा मुझे मुझे क्यों डर लगेगा सबसे पहले मैं बीजेपी से मैं पूछना कि आप सड़कों पर नहीं दिख रहे कहीं नजर नहीं आते तो आप कह रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेते आप, आपने कहा कि बीजेपी से डर लग रहा है तो बीजेपी से डर नहीं लग रहा बीजेपी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा जो दो करोड़ रोजगार के लिए जो हर साल दो, दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था वो दो करोड़ में मुझे दो हजार हर यही तो आपसे कह रहा हूँ अब मैंने पूछा तो आप उनसे पूछ रहे हैं आप पहले से क्यों नहीं पूछ रहे हैं नहीं नहीं भाई तो मैं आप भाई जी कहा है कहा है ट्विटर पर है जी ट्विटर पर नहीं वो यूपी हर... की नेता है कि ट्विटर की नेता है वो हर जगह की नेता ठीक है अटक गए खटक गए चलिए ठीक है कांग्रेस के हमारे नेता जी हमारे साथ है बिल्कुल सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा कांग्रेस इस बार बिल्कुल साफ कहता हूं कोई संकोच नहीं मुझे कहने में कांग्रेस इस बार फाइट में है फाइट में है टॉप से हो बॉटम से हो कहीं से हो फाइट में है प्रियंका गांधी जी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही हैं सब कुछ है सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है पूरा रसगुल्ला आपके हाथ में है लेकिन समस्या कहां है समस्या यह है कि लोग कहना कि थोड़ी देर कर दी आते आते अब देर से आए हैं अब पार्टी में जो ताला पड़ गया था जो धूल चढ़ी थी वो ताला खुला धूल साफ हुई अब कार्यकर्ता आना शुरू हुए तब तक पता लगा कि चुनाव आ गए बड़ी गलत गलत फहमी है आपको बहुत आते आते देर नहीं कर दी जब हिंदुस्तान की लड़ाई हुई तो हमने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़के जो आज आप खड़े हुए हैं इस जगह पर आज हमारे सामने मैक लिए खड़े हैं हमने देश की लड़ाई लड़ी हम सबसे पहले यहाँ पर आए और सबसे पहले हमने इस हिंदुस्तान की आज़ादी को दिलाई उस समय केवल कांग्रेस के लोगों ने शहीद दी इंदिरा गांधी और हमारे राजीव गांधी इसका उदाहरण है गलत शब्द आपने इस्तेमाल करा के देर कर दी हम चुनाव को मोदी नेहरू कर दें क्या नहीं आजादी की लड़ाई है उससे पहले हम ही सत्ता में थे सेंट्रल में और भारत की सबसे विशाल पार्टी का हमें सौभाग्य हम नेतृत्व कर रहे हैं केवल आप सात साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और हम पचास साल सत्ता में रहे जब इक्यावन साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी तब तो हम कहीं देर फेर कहलाएंगे अब तो हम सबसे आगे थे और सबसे आगे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रियंका जी ने यहाँ का नेतृत्व संभाला है आज समाजवादियों से राहुल गांधी जी भी संभाल रहे थे दो हजार सत्रह में राहुल गांधी पूरा देश संभाल है और आज भी संभाल दो हजार सत्रह में यूपी भी संभाल रहे थे अखिलेश नहीं नहीं यादव जी के साथ बकायदा होता था कि नहीं यूपी नहीं बाल बाल साथ पसंद है बड़े नेता है अखिलेश यादव से गठबंधन होगा तो अखिलेश यादव की मदद को आ जाए बड़े नेता जब जीत नहीं दिला पाए तो छोटे नेता कैसे दिलाएंगे जी बुलाएंगे उनके समर्थन में आ जाएंगे वो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है लेकिन हमारा सौभाग्य है कि प्रियंका जी को यहाँ का नेतृत्व दिया है इस बार प्रभा के रूप में अब पार्टी महिलाओं के, के, के सारे महिला वोटर के सारे जीत जाएंगे क्योंकि महिलाओं को लुभाने के लिए दिकुण, तरह तरह की ट्रिक्स दिकुण, चल रही है कांग्रेस की तरफ से आधी आबादी का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बिल्कुल लड़ेंगी लेकिन कर्नाटका के विधायक कहते हैं कि नहीं लड़ पा रही तो कोई समस्या नहीं है नहीं कर्नाटका के विधायक वो उनकी निजी विचारधारा हो सकती है लड़कियाँ लड़ रही है एक अंगड़ाई ली मोदी जी विधायक है आपकी पार्टी के वो कह रहे हैं की नहीं लड़ सकती तो कोई समस्या नहीं है अंगड़ाई लिए केवल प्रियंका गांधी ने मोदी जी जमीन पर आ गए और पहली बार महिलाओं का कार्यक्रम किया साहब नहीं अगर आपसे इनमें से कोई पूछ दे कि प्रियंका गांधी जी यूपी में कह रही हैं कि महिला हो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लेकिन कर्नाटका के विधायक कह रहे हैं कि नहीं लड़ सकती तो कोई बात नहीं मतलब पूरा विस्तार बता रहे हैं कि क्या है नहीं लड़ पाओ तो कोई समस्या नहीं है नहीं नहीं लड़ेंगे जब प्रियंका जी का आदेश है तो लड़ेंगे हो सकता है विधायक जी कहीं कन्फ्यूज हो रहे हो आदमी की अपनी पार्टी के नेता आपकी नहीं सुनते नहीं निजी विचारधारा हो सकती है उनकी निजी विचारधारा लोगों की अलग अलग होती है लेकिन जब प्रियंका जी कह रही है विधानसभा में खड़े होकर निजी विचारधारा होती है विधानसभा में खड़े होकर निजी बात करते हैं विधायक जी आपकी पार्टी के नहीं कर सकते हैं क्या बात है लोकतंत्र इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं हमारे यहाँ किसी को लिख के नहीं दिया जाता कि इतना ही वो तो मतलब ये टैक्स पेयर पैसा देते हैं विधानसभाओं में उसका पैसा लगता है नेताओं की जेब में भी पैसा जाता है घूम इसलिए जाता है की निजी बात करेंगे और निजी, निजी बात करेंगे तो बहु और देवरानी की भी बातें होंगी क्या विधानसभा में अब बहु देवरानी की विकास की बात होगी विकास की कहा हो रही है लड़की नहीं

कृषि कानून वापस होगा इसलिए ना, उस, उससे संबंधित कोई बात नहीं है अब आज राजनीतिक माहौल है गर्म माहौल है इसलिए मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ तो बसपा के कार्यकर्ताओं का काम ना कि और लोगों और पार्टियों के दलों के काम होते हैं तभी बसपा चली जाती है जब सपा की सरकार आती है तब ठीक यही सपा के साथ होता है सपा के कार्यकर्ताओं का कार्य नहीं किया जाता है और दूसरे लोगों का कार्य किया जाए दूसरी पार्टी के लोगों का कार्य किया जाए इस बार भी ऐसा ही हुआ है सावधान कर रहे हैं आप सभी को सावधान कर रहे हैं आप सभी को हाँ। इस बार भी ऐसा ही हुआ है भाजपा की पार्टी आई है पूर्व बहुमत से आई है, बड़े जोर शोर से आई है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं का बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है और इसको भी इसकी मुंह की देखनी मतलब उन्हें भी पलट देंगे उन्हें जी जी, तो बड़ी खूबसूरत चीज है ये ठीक है ऐसे में हम सीधे सवाल करेंगे हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता जी हैं उनसे सवाल करेंगे क्योंकि लाल टोपियां जब जब नजर आएंगी तब योगी जी का वो भाषण नजर आएगा रेड अलर्ट है ये ये रेड अलर्ट है किसके लिए जनता के लिए जनता के लिए जनता तो इसके साथ होगी उसकी सहभागिता करेगी राइड तो जो तो वर्तमान में हुकूमत है उसके लिए है ये परिवर्तन का चिन्ह है ये ये परिवर्तन लाता है रेड थी। 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 और परिवर्तन लाएगा थी। 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 ये और हमारा पूरा पूरा, पूरा आज की जो जनभावनाएं हैं मैं तो किसानों के बीच के रहने वाला व्यक्ति हूँ जनता में रहता हूँ जनता का हालचाल देखता हूँ आज जो बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में हुकूमत चल रही होगी जी महाराज की उससे इतना रुष्ट है लोग कि परिवर्तन की लहर चल पड़ी है और परिवर्तन होके रहेगा ये निश्चित है मैं इससे आश्वस्त नहीं हूँ पूरी तरह से मैं दिमाग दिमागी तौर पर स्वस्थ हूँ ये बताइए इस बार क्या बांटेंगे लैपटॉप बांटे थे इस बार क्या है अब आगे की जो भी होगा हमारा ये नहीं ये नकल कर रहे हैं कि आज लैपटॉप बांट रहे हैं कहीं कुछ बांट रहे हैं जी पकड़ लिए मुझे <laughs> मैं यही पूछ रहा हूँ कि इस बार क्या बांटेंगे नहीं, नहीं, तो ये तो ये काम तो बीजेपी वाले भी करते हैं टीवी बांटेंगे स्कूटी बांटेंगे फ्रिज बांटेंगे रेफ्रिजरेटर बांटेंगे हम हम जो नौजवानों की जरूरत होगी वक्त के हिसाब से नौजवान को क्या चाहिए एक डिवाइस बता दीजिए अपलायसेज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बताइए नेताजी कह रहे हैं जो मांगेंगे वो मिलेगा क्या चाहते हैं समाजवादी पार्टी की कार्यकाल जो पिछली बार इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बताइए बताएं। नेताजी कह रहे हैं जो मांगेंगे मिलेगा मांगे बिल्कुल मिलेगा क्या मांग रहे हैं देखो पिछली बार बार, बार लैपटॉप मिला इस बार क्या चाहिए मिले, मिलेगा इस बार भी मिलेगा क्या क्या लैपटॉप भी मिलेगा टेलीविजन भी मिलेगा टेलीविजन भी चाहिए इस बार टेलीविजन भी चाहिए टेलीविजन कितने इंची का कितने इंची का हर बहुत बड़ा वाला सब छत्तीस इंची का मिलेगा छत्तीस इंची का मांग रहे हैं सबसे बड़ी जरूरत हमारी बीजेपी सरकार ने मोदी जी ने कहा था कि हर हाथ को काम मिलेगा नहीं दे पाए नहीं ने नेता जी अभी थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कॉन्टेक्स में क्यों पूछ रहा हूँ ये बात उन्होंने कहा कि छत्तीस छत्ते इंची का चाहिए छत्तीस इंची का टेलीविजन चाहिए हालांकि आता नहीं है शायद हाँ। देखिए तो वो तो उनकी व्यक्तिगत राय हो अरे आपके कार्यकर्ता आपके समर्थक लाल टोपी रेड अलर्ट कह क्या कैसा कहते हैं अरे भैया का है नेताजी के एजेंडे से अलग जा रहे हैं आप का गड़बड़ कर रहे हैं ये रेड अलर्ट ही है ना रेड अलर्ट देखिए ऐसा है बताइए रेड अलर्ट है है कि नहीं नौजवानों के लिए चाहिए रोजी रोटी का वो नौजवान जो आज बेकार अरे बो... मैं आप आप समझ नहीं, नहीं। आप अगर मुझे खुलकर बता देंगे तो मैं सेल बता दूंगा कितनी कहा लगी है सिर्फ नौजवानों की आवश्यकता है आज उनको रोजी रोटी के लिए रोजगार मिले बस इतना आप नहीं देंगे मतलब इस इसमें लैपटॉप की जब होगा मिलेगा ठीक है लैपटॉप मिलेगा आप क्या क्या है टैबलेट है देखिए स्कूटिया की टैबलेट है देखिए हमारी सरकार की नहीं नहीं देखिए विषय विषय के साथ हम लोग बहस करते रहेंगे अभी बहस ये है कि वो टैबलेट देंगे हालांकि उनके कार्यकर्ता ने कहा कि छत्तीस इंची का टीवी भी चाहिए उन्होंने मना कर दिया आप क्या दे रहे हैं देखिए जनता के जनता के लिए जो भी आ, मुफीद होगा वो हमारे जो भी समग्र विकास में जो भी जरूरी होगा वो जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रही है और हमेशा तैयार खड़ी है और हमेशा तैयार खड़ी रहेगी मतलब इस बार कोई गिफ्ट नहीं है देखिए गिफ्ट और वो वो जनता और जनार्दन की जरूरतों के हिसाब से वो केंद्र और सारी पॉलिसी तय होती है उसके आधार पर ही वो सारी चीज़ें तय होंगी और मैं ये मानता हूँ कि इस बार पुनः योगी सरकार जनता के बीच होगी और रही बात डबल इंजन की या ट्रिपल इंजन की जो आप मुझसे अभी इससे पास इससे पहले कह रहे थे तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ भयमुक्त वातावरण एवं जनता के लिए जनता को और सबका साथ सबका विकास एवं सबका सहयोग के लिए जो भी योगी सरकार करने का वादा किया है वो करेगी और करती रहेगी है, जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहा है वैसे वैसे सवाल जवाब भी बढ़ेंगे बहस भी बढ़ती चली जाएगी ठीक है उन्होंने के पास टीवी है इन्होंने कहा कि हम नहीं बताएंगे आप क्या देंगे जी बिल्कुल बसपा सरकार का ये उद्देश्य नहीं है बसपा सरकार का मतलब उद्देश्य क्या है उद्देश्य उसका उद्देश्य सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय यानी कि सभी लोग उस वो किसी निजी या किसी विशेष जाति विशेष के लिए काम नहीं करती है वो सरव... तो पूछा ही नहीं जाति विशेष के लिए काम करती है कि नहीं करती है क्यों बता रहे हैं आप मन में कुछ नहीं, है नहीं मन में कुछ नहीं है मन में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है मन में... कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ सबसे पहले आपने मेरे से ये सवाल कहा कि वो बहन जी वो मायावती जी हैं वो ट्विटर पे दिखाई दे रही हैं वो सामने जनता में क्यों नहीं आ रही हैं तो जनता की आप बाहर निकल के देखिए मैं हर जगह देख रहा हूँ हर जगह देख रहा हूँ जनता की आवाज उठ रही है बहन जी की क्योंकि उनके समय में उनके स... जब सत्ता होती है उनका जब शासन काल होता है उनके शासन में जो देखिए मेरा 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 बड़ा मेरा बड़ा मेरा बड़ा सीधा सवाल है बड़ा मासूम सा सवाल है कि जब विपक्ष के नेता जनता के बीच जाते हैं बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं अखिलेश यादव जी की रैली देखी होगी प्रियंका जी की रैली देखी होगी हालांकि ये सत्ता में है आप मायावती जी नजर क्यों नहीं आ रही जनता के बीच नहीं जा रही है कुछ भी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही इसको लेकर बड़ा मेरा सवाल है व्यक्तिगत भी है जी जी सबसे पहले तो आपने यही पूछा कि जनता के बीच में क्यों नहीं आ रही तो सबसे पहले आ, बीजेपी की बात कर रहा ठीक है बीजेपी ने सबसे पहले वादे किए थे दो करोड़ रोजगार मिलेगा मुझे बता दो कितने करोड़ रोजगार मिला मिलने की वजह से और चला ठीक चला ठीक और क्या साढ़े चार लाख रोजगार मिला अभी थोड़े दिनों पहले ही बताया गया अभी आता हूँ सेकंड राउंड में क्या क्या मिल रहा है सबको पता है आप क्या क्या मिलेगा लड़कियों की बात कर रहे हैं उनको स्कूटी बहुत पसंद है स्कूटी देंगे नहीं हमने स्कूटी नहीं हम पहले सबसे पहले सत्ता में आने के बाद डीजल जो चरम सीमा पर पहुंचा दिया गया है इंटरनेशनल कीमत बत्तीस रुपए है आज और किसान को सौ रुपए लेना पड़ रहा है हम डीजल सस्ता करने का काम करेंगे खाद सस्ता करेंगे जो खाद की ब्लैक मेलिंग हो रही है उसे बंद करने का काम करेंगे स्कूटी जो है अगर आवश्यकता होगी लड़कियों को पढ़ाई की लिखाई की तो प्रियंका जी कहेंगी तो स्कूटी दी जाएगी स्कूटी भी दी जाएगी टैबलेट भी बटेगा और साथ में बहुत कुछ है जो एजेंडे के स्वरूप बटेगा लेकिन ये बात इसलिए कही गई क्योंकि अगर आप बहुत सी साधारण सी बात है आप लोग भी समझते होंगे अगर लोगों को शिक्षित कर देंगे रोजगार दे देंगे तो आप खुद छत्तीस इंच का टीवी खरीद लेंगे जी हाँ आप बताइए क्या कह रहे हैं नाम बताइएगा पहले मेरा विकास नाम है विकास पूरा नाम बताइए विकास कुमार ठीक है विकास जी क्या कह रहे हैं सर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास लेकिन बात हिंदुत्व की करती है हिंदुत्व की बात करती है तो हमारे देश में इतनी संख्या में अल्पसंख्यक हैं इनकी बात कौन करेगा दूसरा हिंदुओं के आस्था का ख्याल तो रखने तो में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकिन बात तो हिंदुत्व की करते हैं हिंदुत्व की बात तो वो करते हैं वो कांग्रेस बैठे हुए हैं हिंदू और हिंदुत्व के बीच का फर्क तो बताते हैं अल्पसंख्यकों की बात कहां कर रहे हैं ये अल्पसंख्यकों की बात कहां कर रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर बनाया

मैं तो जानता नहीं हूँ आस्था का ख्याल नहीं रखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से काफी बुजुर्ग बताइएगा ऐसा आस्था का ख्याल अगर रखा होता तो सभी लोग ये अपनी अपनी भावनाएं मतलब एक दूसरे के हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो आज दंगा और आपस में भाईचारा बंद हो रहा है तो सपा के शासन में हुआ था अरे ये अभी मतलब हिंदू मुस्लिम का जो मतलब फैक्टर है जो आपस में एक दूसरे के ना मिलने का ये सब भाजपा का काम है लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि ट्रिपल तालाक पे ट्रिपल तालाक पे हमने कानून बनाया उससे आपको फायदा हुआ लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जो सिलेंडर बांटा वो तो आपको भी मिला वो कह रहे हैं कि जो राशन बांटा वो तो आपको भी मिला तो कहाँ से फिर वो बंटवारा कर रहे हैं जो राशन बांटा है जो सिलेंडर दिया है जो अब से पहले साढ़े तीन सौ का मिलता था वो आज एक हजार का मिल रहा है तो समस्या हर किसी के साथ हिंदुओं को महंगा मिल रहा है और जो गलत रहा है ये से, से कोई लाभ नहीं है फ्री मिल रहा है राशन तो अपने वाला जब तक कि हम... मतलब ये समझाइए अगर वो कोई भी योजना है बीजेपी वाले एक पत्रकार के रूप रहा हूं, बीजेपी देते हैं तो आप तक योजना पहुंचते हिंदू मुसलमान कैसे लिख आपने अब ये थर्ड राउंड चल रहा है तो शुरुआत करता हूं ये बताइए ना के सहारे नैया पार होगी जी नहीं हम नहीं समझते इस चीज के लिए जो हाईलाइट किया गया है इस तरह से किसी हमारे नेता का बयान वो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है मतलब उनका व्यक्तिगत था वो हो सकता है किसी मैं... मतलब आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आपकी पार्टी के अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि उनने उन्होंने जिन्ना का नाम लिया वो उनका व्यक्तिगत था जिन्ना का अगर लिया है तो आजादी की लड़ाई में जहाँ हिंदू मुसलमान सब एक साथ लड़ रहे थे विदेशियों के खिलाफ उस वक्त उन्होंने अगर लड़ी थी लड़ाई तो उसका अगर जिक्र कहीं आया होगा तो उस तरह से उसे लेना चाहिए ना कि महात्मा गांधी को आप बड़ा मानते हैं आजा, आजादी की लड़ाई में योगदान या फिर जिन्ना को मानते हैं नहीं महात्मा गांधी का अपनी जगह पर तो फिर आपने अखिलेश यादव जी को लेटर लिखा नाराजगी जताई अखिलेश आपने गलत बयान दिया है नहीं उन्होंने जो दिया था उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से अपना सही बयान दिया कौन सी परिस्थितियां हैं जो ऐसे बदल जाती हैं इस लिहाज से बदल जाती है कि समस्या खड़ी हो जाती है ऐसा कुछ नहीं है आप जिन्ना का यहाँ पर जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस वक्त उनका रो रहा होगा वही तो कह रहा हूँ जिस व्यक्ति ने हमारे देश का बंटवारा कर दिया दो भूखंडों में इसको बांट दिया उस व्यक्ति का महिमा करने की आवश्यकता आज क्या है की की उस वक्त बात नहीं है ये ये बंटवारा बाद में हुआ है जब हमारा पूरे देश का हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों को भगाने के लिए एक मुस्त लड़ाई लड़ रहा था उस वक्त कोई हिंदू या मुसलमान नहीं था उस वक्त ना जिन्ना थे ना जिन्ना तो ठीक है ठीक है मैं आप समझाता हूँ थोड़ा सा दर्शकों को कि अभी सपा के नेता जी ने एक बात कही मुझे गलत दीजिएगा अगर मैं गलत लगू तो इन्होंने कहा कि लड़ाई से पहले जिन्ना भी फाइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ इसी कॉन्टेक्स्ट में अखिलेश यादव ने उनकी तारीफ की या बात की ठीक है ऐसे में गोडसे की भी आप तारीफ कर सकते हैं आप कहिएगा कि जब गोडसे ने गांधी को गोली मारी उससे पहले गोडसे

जिन्ना ने देश की लड़ाई मतलब भागीदारी थी उसकी इसलिए जिन्ना को सपोर्ट नाम लिया उन्होंने वो कोई गलत नाम नहीं लिया था उस टाइम किसने आपसे कहा कि जिन्ना जिन्ना का देश की लड़ाई जो थी स्वाधीनता की उसको लड़ने में उनका सहयोग था ठीक सर जिन्ना हमारे देश के ही थे अब बंटवारा बाद में हुआ है इन लोगों ने हिंदू मुसलमान दोनों ने लड़के आज़ादी हासिल करी है ये बीजेपी वाले हमेशा 20 परसेंट लोगों के लिए हम और 80 80 परसेंट लोगों को धोखा देते हैं ये ये 20 परसेंट मुसलमानों के चक्कर में 80 परसेंट हिंदुओं को धोखा देते हैं ये तरक्की पे लेके जा रहे हैं देश को जितना अच्छा व्यक्ति है जिन्ना अपनी जगह सही थे जब वो गलत कहाँ से हैं वो उस दौर के पढ़े लिखे हमारे देश के दो भाग कर दिए वो व्यक्ति सही कैसे हो सकता है ठीक है अब आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे जिस व्यक्ति ने दो तो भाग कर दिए वो अलग कैसे हो सकता है जी कुछ कह रहे हैं नहीं 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 क्रोधित होकर नहीं बड़े प्यार से कही बात बताइए जिन्ना को अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया अखिलेश जी, जी दे रहे हैं अब अखिलेश जी दे रहे अक्लेश? तब उसने बटवारा अखिलेश का इसमें क्या है अखिलेश ठीक है बताइए मैं तो उसमें वो चीज क्यों नहीं आप ले रही हो नेहरू का भी तो नाम दिया था बताई बताइए सर इस बात पे कि जब ये लोग देश को बीजेपी वाले कहा से कहा पहुंचा रहे हैं सत्तर रुपए तेल से दो सौ रुपए तेल है इस पर कोई डिबेट नहीं है मतलब उस पर होगी धीरे धीरे होगी धीरे धीरे बढ़ेगा धीरे धीरे बढ़ेगा माहौल बढ़ेगा नहीं, मतलब जब तक ये फ्री की चीजें बंद नहीं करेंगी जब तक लोगों का विकास नहीं होगा जब तक ये फ्री की चीजें फ्री की चीजें बंद नहीं करेंगी तब तक विकास बंद नहीं होगा अभी बड़े सवालों पर आ रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहा है वैसे वैसे कार्यक्रम भी चढ़ रहा है हर सवाल पर जाऊंगा एक एक सवाल लूंगा आप बिल्कुल निश्चिंत रहें बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी उन बातों पर बात हो रही है जो दिल्ली से कही जाती हैं, लखनऊ से कही जाती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है विधानसभा के लोगों पर आखिरी व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके नेताजी ने कहा है कि हिंदू अलग है हिंदुत्व अलग है कैसे देखिए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है राहुल जी ने जो सभी लोग इस देश में हैं वो हिंदू हैं और जो हिंदुत्व तो हैं हिंदुत्व की परिभाषा उन्होंने इस तरीके से दी है कि जो लोगों को बरगलाने वाले हैं या गौडसे की औलाद हैं वो हिंदुत्व वाले लोग हैं और जो हिंदू हैं वो इस देश में सभी लोग हिंदू हैं और हिंदू मतलब जो हमारे देश में आस्था रखते हैं जो गांधी में आस्था रखते हैं जो नेहरू में आस्था रखते हैं वो सभी लोग हिंदू हैं लेकिन जो गौडसे की औलाद हैं वो हिंदुत्ववादी हैं ठीक है आपने हिंदू और हिंदुत्व का इस तरीके से डिफरेंशिएशन किया है लेकिन अगर इसको हिंदी की वर्णमाला के हिसाब से समझा जाए तो अगर कोई व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व तो है ठीक है स्त्री है तो स्त्रितत्व तो है।, तो है तो हिंदू है तो हिंदुत्व तो हिंदु तो है गलत कह रहे हैं आप पढ़ाई करी आपने सर हम ये कह रहे हैं जो गौडसे की औलादें हैं उनको राहुल जी ने हिंदुत्व का रूप दिया है और जो गांधी की औलादें इस देश में हैं नेहरू की औलादें हैं तमाम धर्मों के मानने वाले लोग हैं तमाम समाज के लोग हैं उनको राहुल जी ने हिंदू बताया और क्या मैं स्वयं भी हिंदू हूँ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह देते हैं ना कि मुसलमानों की सरकार है ईसाइयों की सरकार है ये फलाने की सरकार है ये जाटवों की सरकार है ये धोबियों की सरकार है इस तरीके से लोगों को ना बांटा जाए तो राहुल गांधी ने सीना ठोंक के कहा कि आज तुम लोग अगर अनभिज्ञ थे तो समझ लो कि हम हिंदू हैं पूरा देश हिंदू है सभी लोग हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी वो हैं जो गॉड से और आरएसएस की औलादे हैं है। एक है। एक छोटी सी लाइन नेताजी ने एक लंबी लाइन बोली लेकिन एक छोटी सी लाइन मैंने निकाल ली इन्होंने कहा कि जो गोडसे के औलादे हैं वो हिंदुत्व तो वाली हैं और जो नेहरू की औलादे हैं वो हिंदू हैं देखिए मैं इस प्रकार की मानसिकता में कभी संकीर्ण मानसिकता में अपनी विचार व्यक्त नहीं करना चाहता मैं तो ये चाहता हूँ जो देश में पैदा हुआ पहले वो भारतवासी है राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी उसके लोग काम कर रहे हैं अभी उन्होंने कहा जैसा कि उन्होंने कहा कि तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर आवास बांटे अगर शौचालय बांटे महिलाओं के सम्मान में अगर ये सारी चीज़ें बांटी है तो हम लोगों ने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा बस ये देखा तो सिर्फ जरूरतमंद देखा और जरूरतमंदों को वो सारी चीजें देने का काम किया और समग्र ग्रामीण विकास और जो वास्तव में एक वास्तव में जो भारत है जिसके दर्शन ग्रामीण अंचल में होते हैं उस उनके समग्र विकास के लिए चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो चाहे आवास हो या शौचालय सबका सम्मान परस्पर करते हुए देश को आगे ले जाने का नेताजी ने कागजी बातें और फाइली बातें करी नेताजी ने कहा कि हमने घर बांटे आवास बांटे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं नेताजी आवाज बांटे घर बांटे कागजों में है लेकिन उस घर के अंदर आवाज के अंदर अगर कोई खाना बनाने की भी सोचता है तो तेल की बोतल उठाते उसके हाथ कपते हैं तेल का वो दाम कर दिया आपने आपने कहा कि हमने सड़कें बनाई सड़कों पर चलते हुए अगर किसी वाहन से चलते हैं तो दो किलोमीटर के बाद गरीब की गाड़ी खड़ी हो जाती है पूछो काहे खड़ी है तो कहते हैं कि भैया पेट्रोल इतना महंगा है दो किलोमीटर ही चला पाया अब घसीट कर ले जाऊंगा ये दिया है आपने आपने कहा कि हमने घर घर सिलेंडर बांटे बिल्कुल सही बात है कागजों में घर घर सिलेंडर बांटा है लेकिन वो अब तहखानों में रखा है वो उनके यहाँ स्टोर रूम है उसमें रखा है गैस नहीं भरवा सकते बहुत महंगी कर दी है तो आपने दिया भी है तो लिया भी है देखिए ये बस आप ये फर्क है कि जो दिया है वो कागजों में है और जो लिया है वो नहीं है देखिए आरोप प्रत्यारोप क्योंकि काज इस समय जब आरोप लगाए जा रहे हैं नहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भर... तो चलता रहता है नहीं आप ये कह रहे हैं कि झूठे आरोप हैं मैं ये नहीं कह रहा आपसे सच्चे आरोप हैं हो आप बात तो सुनेंगे आप ये बता दीजिए झूठे आरोप हैं या सच्चे आरोप हैं देखिए जनता ये 2022 आने वाले 2022 में आप जनता के द्वारा इस बात को भी मान लीजिए कि डबल और ट्रिपल नहीं ये पूरी रेलगाड़ी चलने वाली है और पूरा प्रदेश इस समय आने वाले कल 2022 में पुनः हम आपको विधानसभा नेता इमरती और जलेबी बना देते हैं तुरंत मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ आप क्या बात कर रहे हैं मैंने आपसे कहा कि जो मैंने अभी बातें कही आपने कहा आरोप लगा रहे हैं मैंने कहा झूठे आरोप है या सच्चे आरोप है एक ही चीज हो सकती है आप कह दीजिए झूठे आरोप मैं कह रहा हूं आपसे आप, आप कहिए झूठे आरोप है मिथ्या और अनर्गल बातों का कोई स्थान नहीं होता है मतलब झूठे आरोप है मतलब ये सिर्फ और ये सिर्फ ये कहने का है कि जो लोग बांटने का काम कर रहे हैं हमारी पार्टी बांटने का काम नहीं करती हमारी पार्टी जोड़ने का काम करती है हृदय से और राष्ट्रवादी पार्टी है और समग्र ग्रामीण और मैं आपको म्यांमार भेज रहा हूँ आप मैनपुरी जा रहे हैं अरे कहा है जा रहे हैं रुकिए झूठा आरोप है कि सच्चा आरोप है इस बार मैं आपको मैनपुरी जिता कर दूंगा आप झूठा आरोप है या सच्चा आरोप है मैंने जो आप पर आरोप लगाए वो झूठे हैं या सच्चे हैं है आपको बताना चाहता हूँ जैसे हमने पिछली बार जब राहुल गांधी यहाँ से एम छोड़ के बांट भाग गए थे ऐसे ही इस बार मैनपुरी भी जिताने का काम आपको दूंगा ये विश्वास की बात है आत्मविश्वास की बात है इतना तगड़ा आत्मविश्वास है उनके अंदर कौन सा आत्मविश्वास है जो हर नेता के पास रहता है क्राइम रेट का जो डाटा है वो भी ज्यादा अप डाउन नहीं है मार्जिन बेस्ड नहीं है ये, 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 ये। दंगे जब लहर चलती है हवा चलती है तो बड़े बड़े दरख्त तो उखड़ जाते हैं और उस वक्त मोदी की लहर में ये हाथ मार गए उत्तर प्रदेश में वरना ये बरना कुछ नहीं था दंगे आपकी सरकार में बताते हैं कि आपकी सरकार में बहुत दंगे हुए मुजफ्फरनगर दंगा कानपुर का बताते हैं हर जगह के बताते हैं दंगा हर पीरियड में होते हैं कुछ ना कुछ ये इनकी सरकार में नहीं हुए बीजेपी की अरे ये तो जनता जनता ही पूरी दंगाई बन गई गई इतनी दुखी हो कि वो दंगों से ज्यादा बदतर हो गई उन्हें परेशानी में इतना डाल दिया कि हर बात के लिए दुखी हो गई जनता आपकी सरकार में जो दंगे होते थे उसको लेकर घेर रहे हैं ये कहते हैं आपकी सरकार में दंगे होते थे हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ हमारी सरकार में दंगे होते तो प्रोफोगा करो जितना कर सकते हो और देखो फाइट करके अगले उसमें आपकी आप सरकार में दंगे होते थे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना नहीं हमारी मुजफ्फरनगर दंगा हुआ उसको लेकर घेरते हैं आपको तो खर दंगा हुआ होगा होगा हुआ हुआ चलिए ठीक है हो चुका, हो चुका चुका हाँ, ये भी नहीं देखे बगैर परिस्थिति के कोई काम नहीं होता चलिए ठीक है नेताजी ने उसको भी परिस्थिति की आड़ में छिपा लिया है छिपाने की बात नहीं है जो जहाँ जैसा माहौल होता है उस वक्त कोई घटना हो जाए तो उसका ठीक है 2022 में अगर आपकी सरकार दोबारा बनती है तो दंगों की गुंजाइश है काहे की परिस्थिति हम पूरा स्वच्छ प्रशासन देंगे परिस्थितियाँ हो सकती है परिस्थितियाँ आगे आगे वाली परिस्थितियों कोई नहीं नहीं, नहीं आपने जैसे कि थोड़ा समझिएगा मैं बड़ा आपसे वन वन टू वन करता हूं जी, जी। आपने कहा कि 2017 से पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई होंगी कि दंगा हो गया तो 2022 के बाद भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती है की दंगा हो जाए आम तौर पर पूरे प्रदेश का नहीं होता है किसी क्षेत्र विशेष में कोई घटना हो सकती है हो सकती है दो हजार बाईस के बाद क्यों जीते हैं नहीं नहीं हम हम जीतेंगे तो क्यों होंगी हम क्या ये संकल्प लेके करें हम दंगे करेंगे हमारा कोई मकसद वो है, सकती है ना गुंजाइश है स्वच्छ प्रशासन देने की स्थिति में है और स्वच्छ प्रशासन नहीं, नहीं। देने की कल्पना है अब आते हैं स्थानीय लेवल पर स्थानीय लेवल पर आपने बताइएगा दातागंज सीट के लिए आपके विधायक ने क्या कुछ काम किया तीन पॉइंट में तीन पॉइंट में समझाएगा कि ये काम ऐसा हुआ जिसका शिलान्यास भी हमने किया और फीता भी हम ही ने काटा शिलान्यास और फीता तक का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आप कोई भी काम गिनाएंगे उससे पहले हमारे समाजवादी पार्टी के नेता जी कहेंगे कि हमने सपना देखा था देखिए 2022 में ये सपने में ही सोते रहेंगे और हम पुनः भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे रही बात अभी हमारे महोदय कह रहे थे कि आप अकेले प्रत्याशी हैं मैं आपको ये कहना चाहता हूं आपके जो शीर्ष नेतृत्व हैं माननीय राहुल गांधी जी उनकी विचारधारा उनकी कार्य प्रणाली से तो भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष इतना मजबूत और इस राष्ट्रवादी सोच से ओतप्रोत है कि वो जवाब देने के लिए भी सक्षम है और वार्ता करने के लिए भी सज्ज है रही बात जवाब देने और बात करने की तो ये पूरे देश ये जनता ही नहीं पूरा देश जानता है कि कौन सी स्थिति में आज कांग्रेस की क्या स्थिति है तो उस पर तो हम विचार करना ही नहीं है ना उनसे बात उस, उस, को तो कहीं नहीं आख रहे राजीव कुमार सिंह जी ने क्या काम करवाए हैं आप रहे ना कहीं मूल्यांकन होगा रही बात हमारी विधानसभा में तो जो पूर्व से जितना भी अब तक जो विकास कार्य हुए हैं उन सबसे ज्यादा विकास कार्य इस दातागंज विधानसभा में विधायक जी ने करवाए हैं और विकास की लहर चाहे वो नगरिया का पुल हो चाहे वो समर कृषि विज्ञान केंद्र हो या बहुत सारे ये स्थल वो सारी चीजें वो सारी ये सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है और माननीय विधायक जी के कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन हुआ ये काम काफी देर से आप कह रहे हैं कि कुछ कहना चाहते हैं कहना चाहते हैं ठीक है कितने काम हुए हैं आज तक किसी विधायक ने नहीं, नहीं किया है सबसे पहले सैजनी में तीन अका एक सी एस बटालियन एथनल प्लांट और बिजली हर एक नगरिया में पुल और, और नगरियाम पुल और और शिलान्यास और बता में अग्नि अग्निशंसान सलानास विज्ञान किस किसान विज्ञान केंद्र किसान विज्ञान केंद्र और और बताएं बिलाक में बिलाक में एक किसान विज्ञान केंद्र और बनाया है बिलाक में मिट्टी पर और उसके बाद आपके छोटी पुलियाँ और डिग्री कॉलेज उसेैत के बीच में और और छोटी मोटी काम गिनती नहीं है, साल पुराने विधायक ने कोई काम नहीं है। जो तो के टर्म में बीजेपी के विधायक ने कराया ठीक है।, है उस तरफ से कोई कुछ कहना चाहता है कोई कुछ कहना चाहता है इस तरफ से हर बार आप ही कहेंगे नहीं पहला और एक ही बार में जो कुछ कहना है वो कहेंगे हम इस बार चुनाव का माहौल ये नहीं है कि हम किसी जाति विशेष या धर्म के विशेष में वोट देंगे हम लोग युवाओं से एक ही अपील करेंगे कि जो दो, दो ये 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 ये। हाँ, अब जो दो करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात कही थी मैं अपने गणित के हिसाब से बताता हूँ कि उसका लगभग दस परसेंट पूरे इंडिया का दस परसेंट युवा जो था अब तक रोजगार से जुड़ गया होता गरीबी भाग गई होती लेकिन उसमें जो है मौजूदा सरकार ने भाजपा सरकार ने बिल्कुल तवज्जो नहीं ठीक है बहुत बढ़िया बात कही आपने इधर आइए अपना नाम बताइएगा नाम बताइएगा जी श्री ओम माथुर श्री ओम माथुर जी ने एक बात कही इन्होंने कहा कि इस बार हम जाति में बंटने वाले नहीं है इस बार मुद्दों पर बात होगी लेकिन दुर्भाग्य ये, ये है उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो पांच साल जनता मुद्दा मुद्दा चिल्लाती है लेकिन चुनाव जैसे ही सर पर आता है धीरे से जाकर अपनी जात वाले नेता को वोट डाल आती है इस बार फिर पांच साल मुद्दा मुद्दा चिल्लाती है फिर जात वाले को वोट तो है। मुद्दा मुद्दा है। कहते है। हैं कि डॉक्टर कौन सा अच्छा है उस वक्त हम जाति नहीं पूछते हैं कि हमें मुस्लिम डॉक्टर अच्छा है तो हम उससे दवाई क्यों लेते हैं हमें यादव से लेनी चाहिए बड़ी क्रांतिकारी सोच है बिल्कुल जैसे नाम क्या, क्या नाम... है ारी श्री ओम माथुर श्रियो माथुर जी। क्रांति माथुर क्रांतिकारी नहीं नहीं श्रियो माथुर श्रियो माथुर चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं आपकी सरकार यहाँ की बात कर रहा हूँ स्थानीय लेवल की इनसे पहले आप थे सपना तो नहीं सोच रहे बैठ गया चलिए ठीक है आप मुस्कुराने लगे एकदम से हाँ बड़े भाई ने बोला था बड़े भाई ने बोला था कि हमारी सरकार ने ये किया वो किया तो मैं पहले तो ये पूछना चाह रहा हूँ जो मोदी जी ने माननीय मोदी जी जो ये दो टर्म जो पिछले दो टर्म आपके रहे अब अब स्थानीय लेवल की बात हो रही है है राउंड राउंड टू होता ना तो अब वो तो, तो निकल तो गया तो समय निकल गया तब तो 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 बोले तो नहीं सवाल सवाल वर्तमान वर्तमान से पूछा जाता है सवाल वर्तमान से पूछा जाता है तब उसके बाद आगे किया जाता है ठीक है जो वर्तमान में है ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना इसका नाम ही उल्टा है भारतीय जुमला पार्टी है देखो पंद्रह लाख किसके खाते में आया मुझे बता दो कोई कोई प्रूफ दे दे पंद्रह लाख किसके खाते में आया रोजगार चार रो, रो सवाल के हिसाब से तो दे, जवाब देंगे ना दे, जो सोच के बैठे वो थोड़ी ना बोलेंगे ये बताइए आपने पिछले दो टर्म जो यहाँ पर खेले हैं जो दो पारियां खेली हैं उसमें क्या काम आपने करवाया जो ये इस बार नहीं करवा पाए जी बिल्कुल क्या नहीं करवाया था काशीराम आवास दिलवाए थे ठीक है और महामाया पेंशन थी और जनसभा को बताइए क्या दिया आपने अलग ये तो पूरे प्रदेश में बटा विधानसभा में क्या दिया विधानसभा में विधानसभा में गांव में जो रोड रोड कुमार ही थे ना विधायक बिल्कुल क्या बिल्कुल दिया उन्होंने उन्होंने जो सड़कें जो गांव की सड़कें वगैरह रोड हैं उनको सही कराया सारे सही है सारे रोड सही हो गए हैं सारी सही हो गई थी बिल्कुल बिल्कुल अब कैसी हालत है रोडों की अब दस साल हो गए हैं उनको तो दस साल में तो टूटना है ना दोबारा से तो दस साल में तो इतनी जल्दी तो दोबारा से नहीं सत्रह में आपकी सरकार गई थी यहाँ से दो हजार सत्रह में गई है तो दो हजार की बात कर रहा है जी दो हजार सत्रह में गई है ना तब तक सड़कें बिल्कुल दुरुस्त थी दो हजार दो हजार बारह में अच्छा सत्रह में सत्रह में सपा थी सत्रह में सपा गई थी मैं दातागंज की बात कर रहा हूँ दातागंज के विधायक, विधायक की बात कर रहा हूँ दो हजार सत्रह तक तो विधायक बसपा से ही थे तो वो जो बसपा से विधायक थे दो हजार सत्रह तक उन्होंने जो काम दिया था वो इन्होंने चौपट कर दिया तो क्या नहीं 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 ऐसा नहीं है उन्होंने सिर्फ ये किया था दातागंज को शाजापुर जिला से मिला दिया ठीक है जो मार... मैं, आप, तो समझ नहीं, आप समझ नहीं आप समझ नहीं दो हजार सत्रह तक जो विधायक जी ने काम किए थे यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि स्वर्णिम विकास कराया था वो विकास दिख रहा है ना आज भी बिल्कुल दिख रहा है जो दाइ में विकास दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है में विकास दिख रहा है विकास दिख सुनिए बदायूं में विकास दिख रहा है दाता दातागंज को जला दातागंज में विकास दिख रहा है सॉरी दातागंज जो है फरुखाबाद से मिला दिया है दातागंज में भी विकास दिख रहा है दाता वर्तमान में कौन है वर्तमान में विकास अभी दिख रहा है ना विकास कहाँ दिख रहा है अब अब नहीं दिख रहा है दो की लिमिट वाला विकास कराया था अरे दो का जो आप पूछ रहे हैं दो बार बार लेके आ रहे हैं दो में थोड़ी नहीं था यहाँ 2017 में विधायक यही का था बसपा का था मैं उनकी बात कर रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे स्थानीय लेवल पे हम बात कर रहे हैं अब अच्छा अच्छा कुमार जी तो क्या जो यहाँ से यहाँ जो जो पुल था वो पुल नहीं पास करवाया था पुल बना गया ठीक है उसके बाद इधर से कुछ कह रहे हैं पुल को लेकर जी पुल को लेकर आपने कुछ कहा नहीं वो तो भारतीय जनता पार्टी की देन है और पुल भारतीय जनता पार्टी की देन है आप अपना क्रेडिट मार रहे हैं उसको ये ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है चलिए ठीक है ऐसा ही होता है क्रेडिट का आरोप तो आप पर लगता है वो कह रहे हैं ऐसा ही होता है क्रेडिट का आरोप हम नहीं ले रहे हैं क्रेडिट का आरोप वो फायदा ले रही है बीजेपी जो हमारे अखिलेश ने उस पीरियड में जितनी इमारतें बनवाई जो भी प्रतिष्ठान खड़े किए फीता इन्होंने काटा अब ये वर्तमान में आप जाके देखिए से कदम दूर आपने 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 कोई भी 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 काम 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 ऐसा क्यों नहीं करवाया जिस काम को शुरू किया किया और खत्म हर काम का फीता वो काट देते हैं हर काम अधूरा छोड़ के गए थे आप हर काम, हर काम अधूरा छोड़ा हर काम अधूरा छोड़ा तो फीता कैसे काटा उन्होंने सत्ता जाते जाते काम इतने बड़े बड़े काम थे यहाँ पर गर्ल्स इंटर कॉलेज बनवाया आज भी है वो अदूरा का अदूरा है आज तक पूरा नहीं हो पाया उसके बाद मतलब यहीं पर देख लीजिए आप। आप तो एक बड़ी अच्छी चीज है उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के परिप्रक्ष में बात करूं कि तीन जो मुख्य पार्टियां हैं यहाँ की उनके बीच में लड़ाई नहीं है लड़ाई किस बात को लेकर नहीं एक्सप्रेस वे को लेकर ये बड़ी अच्छी चीज है कि एक एक्सप्रेस वे आपका पता है ना कौन सा एक्सप्रेस वे कौन सा यमुना एक्सप्रेस एक वे एक यमुना एक्सप्रेस वे आपका आगरा लखनऊ आपका और पूर्वांचल आपका तो तीनों भाइयों ने अपना बढ़िया बढ़िया रख रखा है अभी कांग्रेस यहाँ पर है नहीं काफी वर्षों से तीस साल से नहीं है लगभग तो उनकी बात नहीं करेंगे ठीक है आप क्या कहना चाह रहे थे ये हमारे अखिलेश यादव जी की जब सरकार रही तो क्या कह रहे हैं पीछे से बधाई मेडिकल कॉलेज बोलो नहीं बदायूं मेडिकल कॉलेज भी दिया हमारी सरकार ने और दातागंज विधानसभा के लिए ये रोडवेज जो बनाया आपका ये सामने वो नाराज हो गए बताइए बता नहीं रहे हो पहले पूरी बात दी है के लिए मेडिकल कॉलेज बदायूं से बरेली तक फोर लाइन और बदायूं ओवर ब्रिज अखिलेश अखिलेश सरकार अखिलेश ने सब चीज रोड फोड सब सही करवाए और जहाँ सरकार में गुंडा राज चल रहा हूँ ले हूं। थे, दिन रहे, गोली मार दी। क्या कह रहे हैं टीचर हैं टीचर हैं सही में टीचर हैं टीचर नहीं है खेरी लखीमपुर में अब किसानों पर जिंदा कांड हुआ भाजपा ने कराया किसने कराया लखीमपुर गाड़ी चढ़ाई खुले आम ये भाजपा ने कांड किया विधानसभा में नरसिंह यादव की दिन धारी गोली मारकर हत्या कर दी बीजेपी का मंडल अध्यक्ष बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की हत्या हो गई किसने की मंडल मंडल अध्यक्ष ने की है भी, मतलब हाँ मंडल अध्यक्ष ने हत्या कर दी दिन दहाड़े अध्यक्ष ने हत्या कर दी दिन दहाड़े ठीक आप ही कह रहे हैं हैं क्या कहना चाहते आप जी भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी चल रही है वो तो बोल दिया रिपीट कर रहे हैं उसी बात को चलिए ठीक है लास्ट आखिरी समय है आखिरी वक्त है एक एक कमेंट जनता में से कोई कुछ कहना चाहता हो तो कह सकता है आखिरी समय ठीक है बताइए ये कहना चाहते हैं जो इस टाइम अभी जो टेट का पेपर हुआ था और तो उसमें इतनी बड़ी कह रहे थे कि माननीय योगी जी कह रहे थे कि हम निष्पक्ष भर्ती कराएंगे उसमें वो पेपर लीक हो गया और जनता ये बताइए जो सालों से समय कितना कीमती है युवा का नौजवान का उसे रोज़गार नहीं मिल रहा है किसान परेशान है उसके लिए धान का रेट नहीं मिल रहा है अब जब तुम्हारी चुनाव का जब समय आता है तो उसको मुद्दा बनाते हो आज तक किसान रोड पड़ा रहा तो किसी को जिक्र नहीं थी आज जब आपका नजदीकी समय आ गया तो आपने वापस ले ले माफी मांग ली सेकंड का समय है कौन क्या क्या कुछ कहना चाहेगा और कोई कुछ कहना चाह रहा है जी बताइए नाम बताइएगा फिर बोलेगा मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है मैं ये सरकार डबल इंजन सरकार से ये पूछना चाहता हूँ ये, ये पुल बना हुआ है बेला डांडी का उसका पार करते ही इतना बुरा रोड है गड्ढे ही गड्ढे हैं वो कब भरे जाए गड्ढे बहुत ज्यादा हैं गड्ढा युक्त है युक तो आप गड्ढा मुक्त की बात करते होंगे हाँ ठीक है क्या पूजा पुल पुल के पुल के आगे आगे गड्ढा क्यों समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी इसका कोई, रोकना पा कोई रोक नहीं पाएगा सपा की सरकार बनेगी कल माधुरी नगला ग्राम में एक सौ सत्रह विधानसभा दातागंज के पचास किसान लोगों लो ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और बीजेपी छोड़ी ठीक है आप बधाइयों काम बोलता है माननीय धर्मेंद्र यादव विकास पुरुष आए विकास इतना किया कोई पार्टी नहीं करवा पाएगी चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ कहना चाहेगा आप में से ठीक है कोई कुछ कहना चाह रहा है ठीक है सरकार <laughs> <laughs> सवाल जवाब सवाल है कि दो करोड़ रोजगार कब मिलेगा दो करोड़ रोजगार कब मिलेगा रोजगार तो साढ़े चार लाख मिल तो क्या बोल तो रहे सर इन्होंने नौकरी तो एक भी नहीं दी इस सीजन में इस सरकार में एक भी नौकरी नहीं दी और इन्होंने शिक्षा मित्रों को और हटा दिया है कहाँ का किसान की दुनिया आई हुई है बता लिया ठीक है तो कार्यक्रम में जनता ने अपनी बातें रखी तमाम लोगों ने आप रह गए रखिए सर अभी आपने जो कहा था कि कांग्रेस तीस साल से नहीं इनसे बात नहीं करें सर कांग्रेस को इस बार इतने हल्के में मत लीजिए अब दातागंज का जो चुनाव बहुत भारी ले रहा हूँ भैया दातागंज का जो प्रत्याशी होगा वो कांग्रेस का होगा ठीक है दातागंज का जो प्रत्याशी होगा वो कांग्रेस का होगा जो की जीतेगा ऐसे ही वो कह रहे हैं ठीक है, है। तो सभा सरकार कितनी बार एक ही बात बोलेंगे जय अखिलेश बोल दीजिए एक बार खत्म करिए चलिए ठीक है हाँ थोड़ी एक मिनट की पायली कहना चाहते हैं कह सकते हैं हाँ? एक मिनट की का, कहना पहली कहना चाहते हैं पहली कहना चाहते हैं खड़े हो जाइए खड़े हो जाइए हाँ बोलिए ये धरती रुकिए 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 हाँ ये धरती चांद सितारे धरती चांद सितारे कहे नंदिया पवन घटा से घटारे कहेते सब यूपी वाले आसे रुसे भई वाले तुम कर गए काम करारे सब ही से उम्र में वारे इसलिए दे जयकारे तू लौट के वापस वारे होके निरसंक बाजुवा दो अब डंका कलेश जी होके निरसंक बाजुवा दो अब डंका ये कैसा ला दिया तुम्हें ही चुन लिया तुम्हें ही चुन लिया बहुत बढ़िया पीछे 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 रुकिए 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 इसके पीछे बकायदा म्यूजिक बढ़िया लगवा लीजिए और रैलियों में खूब चलवाइए कल बीजेपी की रैली थी गाजियाबाद में वो मैं सुन देख रहा था उसी रैली में उपस्थित था वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया गाने बज रहे थे। जय श्री राम तो ऐसा तो गाना भी इनका भी म्यूजिक, म्यूजिक, है, बनवाई है। वो तो बिल्कुल होगा, म्यूजिक भी होगा हो की दातागंज में उनका प्रत्याशी ही जीतेगा उसको लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते है और अगर वो वापस आते हैं तो क्या कुछ देंगे दातागंज की जनता को देखिए इस पूरे उत्तर प्रदेश में पांच वर्ष पूरे करने सरकार जा रही है और 2022 में हम पुनः सरकार बनाएंगे ऐसा जनता के भरोसे विश्वास के साथ हम आपके समक्ष ये बात कह सकते हैं हम ज्यादा हल्लेबाजी में नहीं विश्वास रखते क्योंकि दंगा मुक्त प्रदेश और भयमुक्त प्रदेश देने का काम माननीय योगी जी ने किया है दूसरा कि दाँतागंज रही बात दातागंज की तो दातागंज में जो विकास हुआ है वो सबके सामने है पटल पर है और इससे ज्यादा आने वाले कल में क्योंकि पह, इस बार आने वाले कल में जब दो हजार बाईस में पुनः सरकार बनाएंगे तो विकास का जो पहिया चल रहा है वो गति प्रदान होगी उसमें और गति मिलेगी और हम पुनः इन सब के बीच जो सबका साथ सबका विश्वास और सबके विकास का मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी के उसी के अनुसार कार्य करेंगे और विकास जो चल रहा है वो दिख रहा है विपक्ष मुद्दा विहीन है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है ना कोई आ, कारण है सिर्फ चीखने चिल्लाने का काम है और बाकी जो चीज़ दी है वो ना किसी कम्युनिटी से भेदभाव किया है ना किसी को हमने जाति ना धर्म के आधार पर बांटा है हम सभी के सभी को साथ लेकर चल रहे हैं यहाँ प्रदे, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी का पुनः परचम लहराएगा और इस इस प्रदेश, में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और दातागंज सीट पे बता रहे हैं कि अगली दफा आएंगे तो विकास की जो गाड़ी चल रही है उसमें गेयर पांचवा डाल देंगे दंगा मुक्त नहीं दंगा युक्त है ये नहीं अरे सवाल लेते नहीं है रुकिए ये बताइए कि अगर आपकी यहाँ पर विधायक आपका जीतता है आपका प्रत्याशी अगर यहाँ पर जीतता है और विधायक बनता है तो ऐसे में आप यहाँ के लोगों को क्या कुछ देंगे जिसकी कमी आपको आज खलती है कि आप सत्ता में नहीं आप नहीं दे पा रहे जी यहाँ पर एक तो अस्पताल बनना चाहिए जो जो मेडिकल कॉलेज जैसा बना है इस टाइप का और इधर जो रोड टूटा हुआ है समरेर वाल जो समरे साउदुल्ला वाला वो रोड सही होगा जो ठीक है वो रोड करवाएंगे सही और उसके बाद इधर से जो सामने से जो हजतपुर वाला रोड है वो भी खराब है वो भी सही होगा इसमें इसमें पुताई भी करवा दीजिएगा ये सामने इस पर। चलिए ठीक है आप ये बताइए अगर आपका प्रत्याशी जीतता है तो आप यहाँ के लोगों को प्रत्याशी से ही बात करें अरे माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा ऐसा है दरअसल कि सफेद कुर्ता पजामा तक तो ठीक है कोटी होने सदरी होनी चाहिए थी फिर सदरी में समझ में आता है प्रत्याशी अब

यदि इन्हीं जनता ने मुझे मौका दिया जो सब जनता आपके सामने बैठी है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर किसानों के लिए आवारा पशुओं की समस्या है और मैं छत्तीसगढ़ गया था योगी जी का जो नाटक है जो हमारे भूपेश बघेल जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है वहाँ दो दो तीन तीन हजार बीघा के जो जिला लेवल पे जंगल हैं उनमें बैरिकेटिंग करके गायों को खुला छोड़ दिया गया है और बंद नहीं करा गया है और जो समाज सेवक गौ सेवा वाले लोग जाते हैं वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है कि पाइप लाइन पड़ी हुई है और उसे पैर से भी अगर आप दाब देंगे तो वहाँ गायों के लिए पानी मिल जाता है और साइड से टीन पड़े हुए हैं बारिश ज़्यादा हो या ठंड ज़्यादा हो तो भाग के अपने आप पहुँच जाती हैं और समाज सेवक लोग वहाँ चारा डालने जाते हैं मैंने छत्तीसगढ़ में स्वयं देखा है मुझे एक बार पार्टी ने मौका दिया था वहाँ उपचुनाव में जाने का तो मैं उसी तर्ज पर यहाँ पर सबसे पहले आवारा पशुओं की समस्या को दूर करूँगा जिससे किसान की जिंदगी यहाँ पर हमारे यहाँ दस दस साल कम हो गई है रात रात भर जग के मैं दिल से सबसे पहले उस कार्य को निपटाऊंगा और उसके बाद में जो छोटी छोटी समस्याएं किसानों की हैं जो आज डीएपी के लिए किसान एक तरफ लोग कहते हैं किसान देवता है किसान फलाना है किसान डबाटा है ये देवता का नाटक करने वालों लोगों को मैं सबक सिखाऊंगा अगर जो सोसाइटी से संबंधित अधिकारी लोग अगर मेरे एम रहते हुए किसानों के घर पे और गाँव में खाद नहीं पहुँचा पाए तो मैं उसी दिन बनने के बाद इस्तीफा देने का काम करूं। की एक बात ने बड़ा उनके मन में है उनके जहन में है कि वो अगर आए तो इस चीज पर काम करेंगे आप किस पर काम करेंगे देखिये मैं विधायक के लिए तो प्रत्याशी नहीं हूँ जो मैं बताऊ दूसरे इतना जरूर है कि हमारी पार्टी और हमारी जो लीडरशिप है जो भी काम पाँच साल पहले हमारी पार्टी की सरकार ने उस पीरियड में करवाए थे अफसोस है कि वो अधूरे पड़े हैं प्राथमिकता के आधार पर उनको पहले पूरा करवाएंगे हम अपने सरकार आने पर और विकास पुरुष हैं हमारे ये समाजवादी नेता तो विकास की सोचते हैं कहने से कोई फायदा नहीं विकास कि वो हमेशा हम ही रहे हैं और विकास करेंगे किसानों के बीच के लोग हैं किसानों की जो भी ज़रूरतें होंगी जो शेष रह गई हैं वो भी पूरी करेंगे और किसानों के हित की बात सोचेंगे आप भी विकास करेंगे वो कह रहे हैं कि हम भी विकास करेंगे आप भी विकास करेंगे काश विकास ये समझ पाता कि हर कोई विकास करने की बात करता है लड़ाई विकास वर्सेस विकास है लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में विकास होगा इसको देखना समझना सदियों से समझा और देखा जा रहा है लेकिन 2017 के बाद 2022 का चुनाव बिल्कुल सर के ऊपर है हालांकि चुनाव भी चढ़ रहा है लेकिन आज हमने जानने की कोशिश की बदायूं की दातागंज सीट से कि यहां पर माहौल कितना गर्म है तो सत्ता का टेम्परेचर क्या कुछ कहता है दातागंज सीट से आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी की तरफ से इतनी खूबसूरती से और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और साथ ही साथ तमाम सवालों के लिए और साथ ही साथ जवाब के लिए भी आपकी मुस्कान बड़ी बढ़िया है चलिए ठीक है और ऐसे में जो हमारे साथ सभी नेतागण मौजूद है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतने शानदार तरीके से सभी सवालों के जवाब देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी पार्टी कुछ कमाल कर दिखाए अच्छा कर दिखाए तो किसकी किस्मत खुलेगी ये तो दरअसल 2022 के जब मतपेटियां खुलेंगी तभी पता लगेगा अभी फिलहाल ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी और किस पार्टी का कौन सा नेता गर्दिश में है हालांकि ट्रंप कार्ड हर कोई पार्टी खेलने की कोशिश कर रही है लेकिन ट्रंप कार्ड के सहारे क्या नैया पार लगेगी ये आने वाला समय ही बता सकता है फिलहाल हम आपको यही बता सकते हैं फिलहाल के लिए शुक्रिया